हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फिनसर्व की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। क्या है वो अपडेट, क्या उसमें हम आपको बताने वाले हैं, सारा इस वीडियो में डिटेल्स में कवर करेंगे। आपको लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे और उस अपडेट से आप सभी लोगों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, कब इसका हमें रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा, कैसे इसको हम बाद में अवेल कर सकेंगे। तो सारी डिटेल्स में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जिन लोगों को लास्ट तक वीडियो पे नहीं बनना है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को प्ले ही ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपके लिए जो भी वीडियो आती है वो एकदम इन्फॉर्मेटिव होती है और एकदम लाइव प्रूफ के साथ होती है। कोई भी फेक वीडियो मेरे चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अगर वीडियो पूरी देखना है तभी आपको कुछ प्रॉफिट होगा, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ प्रॉफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे तक मिलती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन ना छूटे। तो उसके लिए मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे चेक करना है। देखिए, चेक आप तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो आप बजाज की वेबसाइट पे जाके पोर्टल पे लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बजाज फिनसर्व का जो एक्सपीरिया वाला ऐप है ये, तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन आ जाता है हमारा, जो ये वाला ऐप आप देख रहे हैं बजाज फिनसर्व वैलेट का, इस पर भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी से करके बताता हूँ। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में थोड़ा सा ये एप्लीकेशन लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे टॉप पे प्रोफाइल के बराबर में ईएमआई का, तो आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे, क्लिक करने के बाद जब आपको ये शो होने लगेगा, ये देखिए ये आपका कार्ड अनब्लॉक हो चुका है। जब ये ब्लॉकिंग की कंडीशन में होता है तो यहाँ पर आपको रेड कलर में एक पॉपअप शो हो जाता है, कार्ड इज ब्लॉक्ड। तो इस समय ये कार्ड आप देख सकते हैं, आपका कार्ड अनब्लॉक है। इसके बाद मैं दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से इसको पॉज कर दूँगा। अब मैं दूसरा ऑप्शन में आपको जाके दिखाता हूँ, कहीं आप समझेंगे ये एडिट कर दिया है या कुछ भी कर दिया है। वैसे लाइव प्रूफ है ये। दूसरे कंडीशन में मैं आपको इसमें ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं इसमें ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये कार्ड हमारा अनब्लॉक शो हो रहा है, क्योंकि अगर ब्लॉक होता तो यहाँ पर ब्लॉक्ड लिखा हुआ आ जाता है, अदरवाइज़ ये कुछ नहीं होता है। जब आप एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आपको वो पॉपअप नहीं दिखेगा ब्लॉक वाला। तो ये देखिए, मैंने आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है। अब आप मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि किस किस का कार्ड ब्लॉक है और किसका अनब्लॉक है। जिसका अनब्लॉक नहीं हुआ है तो धीरे धीरे सभी के कार्ड अनब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप मुझे कमेंट में ये बता देंगे कि किसका ब्लॉक है किसका अनब्लॉक है, तो मैं ये कंपेयर कर सकूँगा कि कितने लोगों के अनब्लॉक हो चुके हैं और कितने लोगों के ब्लॉक हुए हैं अभी भी। तो आप ये वीडियो देख के ये मत समझिएगा कि मैं साइड से वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि देखिए बजाज ने जब गलत किया था तो उससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने आपको बना के दिए थे। आज जब बजाज का सही अपडेट आया है तो उसके बारे में भी बताना हमारा काम है। अगर किसी यूट्यूबर का वीडियो बनाता है तो उसका यही काम होता है कि सही और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। आप मेरी एक एक वीडियो शुरू से लास्ट तक की प्ले करके देख सकते हैं, कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। सभी में आपको सही इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो ठीक है वही इन्फॉर्मेशन होगी। अगर गलत किया था बजाज ने तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। अब सही अपडेट आया है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो आप कमेंट में मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा कि किस किस का कार्ड ब्लॉक है, किस किस का अनब्लॉक है। तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको अपनी होम स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा, मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है कि बजाज फिनसर्व ने ईएमआई कार्ड अनब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया है।
और अब इसको मैंने वेरीफाई नहीं किया है कि पेमेंट डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। आप अपने एंड से एक बार चेक करके देख सकते हैं कि ये पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप उसी कंडीशन में कीजिएगा जब आपको परचेस करना हो। फालतू में आप इसको मत कीजिएगा, क्योंकि आपका मान लीजिए पैसा आपका कटेगा और वो पैसा रिफंड नहीं आया या फिर आपका लोन सैंक्शन हो गया, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि जैसे ही आप उसको ऑर्डर करेंगे तो एक ओटीपी आएगा, अगर समझ लीजिए ओटीपी आ रहा है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, आपके कार्ड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, मैं ये गारंटी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा अनलॉक हुआ है तो सभी का अनलॉक हो गया होगा। हो सकता है सभी का हो भी गया हो और हो सकता है कुछ लोगों का नहीं भी हुआ हो। तो जिन लोगों का नहीं भी हुआ है तो धीरे धीरे सबका कार्ड अनब्लॉक हो जाएगा, टेंशन वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि 31 अगस्त 2020 मोराटोरियम का लास्ट है, इसके बाद में सभी के कार्ड धीरे धीरे अनब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कुछ लोगों की इसमें लिमिट भी कम हो जाए, क्योंकि उसका फर्क तब पड़ा होगा जब आपकी ईएमआई बाउंस हुई होगी या फिर आपका कोई भी लोन डिफॉल्ट हुआ होगा, तो उस कंडीशन में आपकी लिमिट भी कम हो सकती है। हाँ, बट कार्ड आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मेरा कार्ड एक्टिवेट हो गया है तो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, इसी के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है ये। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा कि किस किस लोगों का कार्ड एक्टिवेट हो गया है और किन लोगों का अभी ब्लॉक है। तो ये जानकारी आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं ये कंपेयर कर सकूँ कि कितने लोगों के ब्लॉक है अभी, कितने लोगों के अनब्लॉक हो चुके हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।